जय भीम एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नितिन, ज्योत्सना, पूजा, विष्णु, बॉबी, ऋतुजा, पल्लवी, कामिनी, जय भीम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, राइट राइट राइट, नेशन और कंट्री का बारे में बताने वाला था। ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं अभी बताता हूँ पक्का। अभी ये थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मिलते हैं। आज का जो ये एडिटोरियल है वो इंटरनेशनल इशू पर है और एक बहुत ही छोटे देश के बारे में है जिसका नाम है क्यूबा। अब क्यूबा एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ये एक इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये क्यूबा कहाँ पर है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। अब ये वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है सबको? आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बच्चे बोल रहे हैं कुछ आवाज नहीं आ रही। आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्यूबा जो है वो एक छोटा सा देश है और क्यूबा जो है वो बेसिकली एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे देश को हम आइलैंड बोलते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये कहां पर है। आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहां पर, ये कैरिबियन लिखा हुआ है, कैरिबियन, ठीक है? तो आप देखेंगे कि हमारा इंडिया यहाँ पर है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप वर्ल्ड मैप देखें तो आप पहले इंडिया को देखें और इंडिया के रेफरेंस से देखें कि वो देश कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है, ये पूरा यहाँ तक एशिया है, ये एशिया है, फिर ये अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका यूरोप है। ये तो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये यहां से लेकर ये पूरा एशिया है, यहां तक ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है हमारा। ये हमें अभी तक हमको समझ में आ चुका है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ ये यूरोप है और दूसरी तरफ ये अफ्रीका है और यूरोप और अफ्रीका के बीच इधर साइड में ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, यानी कि अटलांटिक का महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये भी अटलांटिक ओशन है और ये भी अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन के दूसरे साइड में, एक साइड में अटलांटिक ओशन के एक साइड में यूरोप है और एक साइड में अफ्रीका है। अटलांटिक ओशन के दूसरे साइड में ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा जो है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में तीन बड़े देश हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको, ठीक है, और उसके बाद ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कुछ बड़े देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये और चिली, है ना, ये इधर चिली है। तो ये तीन बड़े देश हैं
और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ठीक है, गायना है, इक्वाडोर है, उरुग्वे है, पैरागुए है, ये बहुत सारे देश हैं, और ये आपका साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर टच हो रहा है। ये छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, सूरीनाम, पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये बीच का सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में भी 7-8 देश हैं और बहुत छोटे छोटे से देश हैं, पनामा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पनामा है, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर कुछ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कुछ बहुत सारे द्वीप हैं, यानी कि ऐसे देश जो कि बेसिकली समुद्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ये जो अटलांटिक ओशन का ये जो हिस्सा है, ये करेबियन सी कहलाता है, और इसीलिए ये जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनको हम करेबियन आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये करेबियन सी है। और इसमें जितने भी आइलैंड्स हैं ये छोटे छोटे, अभी मैं आपको इसका मैप बड़ा करके दिखाऊंगा, तो ये सारे करेबियन आइलैंड्स बोलते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो क्रिकेट में एक टीम है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है वो अपने आप में कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर अपनी एक क्रिकेट टीम बनाते हैं। उसमें गुयाना है, जमैका है, ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे देश हैं, एंटीगा है, कुछ छोटे छोटे देश हैं जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, लेकिन वो मिलकर अपनी एक टीम बनाते हैं जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। अब देखिए, अब ये जो शब्द है वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये शब्द कैसे बना? अब जब आज से 400-500 साल पहले जब बहुत सारे लोग जो हैं जब नए समुद्र का नया रास्ता ढूंढ रहे थे, खास तौर पर उसमें से दो बहुत ही फेमस हैं, एक क्रिस्टोफर कोलंबस हैं और दूसरा जो इंडिया आए थे, क्या नाम था, अरे जिन्होंने यूरोप से इंडिया का रास्ता देखा था समुद्र का, तो अभी याद आ जाएगा मुझे, है ना, नहीं बरमूडा ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल जो है वो उसको, हाँ, वास्को डिगामा, ठीक है, तो वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सब यूरोप के नाविक थे जो नया रास्ता ढूंढ रहे थे इंडिया के लिए। तो उसमें से क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं, जो जिन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी और उन्होंने वेस्ट में गए थे वो, ठीक है, वो उन्होंने अपना यहाँ पे गए थे, और वो पहले व्यक्ति थे यूरोप के जो माना जाता है कि उन्होंने ये जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं और अमेरिका है उसकी खोज की थी, राइट। और जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उनको लगा कि ये इंडिया है, वो इंडिया की खोज करने आए थे, ठीक है, उनको लगा ये इंडिया है, और इसीलिए वेस्ट इंडीज नाम पड़ा वेस्ट। और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको आज भी हम इंडियन बोलते हैं, हालांकि वो इंडियन है नहीं, इंडिया का मतलब हमारा इंडिया है, लेकिन अभी भी उनको हम इंडियंस बोलते हैं। पहले उनको रेड इंडियंस बोलते थे, लेकिन अभी वो टर्म जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसका यूज नहीं होता है, अभी नेटिव इंडियंस या रेड इंडियंस ऐसा बोलते हैं। तो ये आइलैंड्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज, अब ये आइलैंड्स जो हैं ये या तो ब्रिटिश के कब्जे में थे या फ्रांस के कब्जे में थे, तो बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग हैं, ठीक है, और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग हैं। अब मैं आपको ये यहाँ पर दिखाता हूँ, ये कैरेबियन आइलैंड्स है। अब आप देखिए, ये जो फ्लोरिडा है ये अमेरिका का हिस्सा है ना, ये फ्लोरिडा जो है वो अमेरिका है। अभी आपको मैं दूसरे मैप यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। और ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, और ये जो है वो आपको मैं ये याद रखिएगा ये पॉइंट, हाँ, तो आपको अभी जब बड़ा मैप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये पूरा कैरेबियन सी कहलाता है, ये कैरेबियन सी है,
और यहाँ का पॉइंट देखिए, ये आप वेनेजुएला को देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा कि ये कहाँ पर। मैं अगर जब बड़ा मैप दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो है ये पॉइंट, ये फ्लोरिडा है, ये यूएस है, यहाँ तक ये अमेरिका है, ये वो जगह है जो अभी आपने ऊपर वाले में देखी थी फ्लोरिडा। इधर आप देखेंगे तो निकारागुआ वगैरह है, ये सेंट्रल अमेरिका है, और इधर आप ये देखेंगे तो ये वेनेजुएला है, ये साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। तो आप याद रखिए वेनेजुएला, फ्लोरिडा और निकारागुआ, ये तीन याद रखिए, है ना, इन तीनों के बीच में ये कैरेबियन आइलैंड्स है, और ये जो समुद्र है ये कैरेबियन सी कहलाता है, इधर अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब फिर से मैप देखिए ऊपर, ये याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो अमेरिका का जो ये हिस्सा निकला हुआ है, ये अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। अब अगर आप मैप में ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये रहा वो पॉइंट, ये फ्लोरिडा है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो इधर ये सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका में ये निकारागुआ है, होंडुरस, निकारागुआ, ठीक है, कोस्टा रिका, और ये पनामा। सॉरी, हमारे यहाँ बिजली चली गई, अभी मेरे को फिर से हॉटस्पॉट पे करना पड़ेगा। अभी आ रही है आवाज मेरी? मेरे घर में लाइट चली गई, आ रहा या नहीं? ठीक है, ऑफिस में इन्वर्टर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी घर में ये सब प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो मैंने अभी हॉटस्पॉट पे किया है और मेरा लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, एटलीस्ट जितना कर सकते हैं। तो आप ये मैप को देख रहे हैं अच्छे से ना। अब ये जो आपको यहाँ पर जो ये दिख रहा था, ये पॉइंट, ये जो यहाँ पर आपको बड़ा सा दिख रहा है, एक ये वाला ये हिस्सा, ये बहुत सारे इसमें आइलैंड्स हैं। अब इसी को मैंने बड़ा करके बड़ा मैप दिया है, तो अब ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि मेन आपके आइलैंड्स कौन कौन से हैं। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है क्यूबा, ये क्यूबा है, दिस इज क्यूबा। तो कैरेबियन आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्यूबा का है। अब आइलैंड मैंने आपको बताया था कि आइलैंड का मतलब लैंड का वो हिस्सा जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हो, तो आप देखेंगे कि ये एक आइलैंड है क्योंकि इसके चारों तरफ ये समुद्र है। अब ये क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, और क्यूबा और अमेरिका में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, है ना। तो आप देखेंगे कि अमेरिका का बॉर्डर ये है, ये फ्लोरिडा है, ठीक है। अब दूसरा जो मेजर, जो कुछ और मेजर जो आइलैंड्स हैं वो एक है यहाँ पर, देखिए ये एक ही आइलैंड है लेकिन इसके दो देश हैं, एक ही आइलैंड में दो देश हैं। इसको हम पुराना इसका नाम जो है वो हिस्पैनियोला था, अभी इसमें आप देखेंगे कि दो देश हैं, एक ही आइलैंड है लेकिन दो देश हैं, एक है डोमिनिकन रिपब्लिक और दूसरा है हेती। हेती हेती भी बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हेती में पहली बार जो काले गुलाम थे, स्लेव्स थे, उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, उन्होंने रिवोल्ट किया था आज से 200 साल पहले, और पहली बार उन्होंने गोरों को भगा दिया था और अपनी सरकार बनाई थी। तो हेती एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, उसका हिस्ट्री है। तो दूसरा जो ये दो देश हैं, तो आप देखेंगे क्यूबा के बाद आपका हेती है,
और डोमिनिकन रिपब्लिक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक और छोटा सा देश है जमैका, ठीक है। अब जमैका जो है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि जमैका में आपकी जो क्रिकेट, जो वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स हैं, मेन क्रिकेटर्स, वो सब जमैका के, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे फेमस जो क्रिकेटर्स हैं वेस्ट इंडीज के, वो यहां से हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ये बहामाज हैं, ठीक है। बहामाज बहुत फेमस है क्योंकि बहामाज जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, बहुत सारी हिंदी फिल्मों की भी शूटिंग्स यहाँ पर हुई हैं बहामाज, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन पे आज हम नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर ये प्योर्टो रिको है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक देश है प्योर्टो रिको। अब प्योर्टो रिको जो है वो अमेरिका का पार्ट है, यानी कि ये जो आइलैंड है वो अमेरिका का है प्योर्टो रिको। यहाँ पर देखिए आप यूएस लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एंटीगा, एंटीगा है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। अब कुछ कुछ देशों में ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रांस, कुछ कुछ द्वीप के छोटा सा लिखा हुआ है यूके, यानी कि ये अभी भी फ्रांस और इंग्लैंड के कब्जे में है, सेंट लूसिया, ठीक है। और ये रहा आपका बारबाडोस। अब बारबाडोस और जमैका, ये दो ऐसे वेस्ट इंडीज की टीम के जितने भी प्लेयर हैं वो यहीं से हैं, एंटीगा बारबाडोस, ठीक है, बहुत ही फेमस हैं ये। फिर ये है, ये यहाँ पर है एक और देश है त्रिनिदाद एंड टबैगो, ये सारे वेस्ट इंडीज में आते हैं। ये यहाँ पे आप नीचे देखेंगे त्रिनिदाद एंड टबैगो। अब ये वो देश हैं जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है त्रिनिदाद एंड टबैगो, ठीक है। तो आप जैसे कि आप जो भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं जिनका नाम आप जानते हैं, जैसे कि ब्रायन लारा, ठीक है, फिर आप और जो भी अभी अभी जो नए प्लेयर हैं या पुराने प्लेयर, विवियन रिचर्ड्स, ठीक है, या फिर कर्टली एम्ब्रोस या वॉल्स या मेलकम मार्शल, इनका आप विकिपीडिया पे जाके देखिए और देखिए कि ये कौन कौन से आइलैंड्स हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि नाम लिखा होगा कि दीज आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, बट वेस्ट इंडियन कोई देश नहीं है, है ना। वेस्ट इंडीज इज अ कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल आइलैंड, और ये स्मॉल आइलैंड जो हैं वो अपने आप में देश है, ठीक है। तो अब ये जो बड़े बड़े आइलैंड हैं, इनको एक टुगेदर हम ग्रेटर एंटिलीज भी बोलते हैं। ये सब बड़े बड़े जो आइलैंड हैं इनको हम ग्रेटर एंटिलीज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्यूबा है, हेती है, अब ये बड़े बड़े आइलैंड हैं। अगर आप बाकी के कंपेरिजन में देखें तो ये बड़े आइलैंड्स, ठीक है, और ये छोटे आइलैंड्स हैं और छोटे 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 हैं, ठीक है। ग्रेनेडा है, सेंट विंसेंट है, मार्टिनिक है, मार्टिनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रेंच स्पीकिंग है, कुछ बहुत ही फेमस ब्लैक राइटर्स फ्रेंच लैंग्वेज के वो यहीं से हैं, मार्टिनिक से। तो आप ये देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको हम लेसर एंटिलीज बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेटर एंटिलीज ये बड़े आइलैंड्स और लेसर एंटिलीज में ये छोटे आइलैंड, ठीक है। और ये जो पूरा है ये क्यूबा, और इधर आप देखेंगे कि ये अमेरिका है, इधर आप देखेंगे कि ये सेंट्रल अमेरिका है, और इधर आप देखेंगे कि ये साउथ अमेरिका है। इन तीनों के बीच में जो समुद्र है वो कैरेबियन सी कहलाता है, और पूरे ये आइलैंड्स जो हैं, सारे ये आइलैंड्स जो हैं वो कैरेबियन आइलैंड्स भी बोले जाते हैं। कैरेबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैरेबियन सी में है, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो देश है क्यूबा, इसका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ये है कि 50-60 साल पहले क्यूबा में एक लीडर हुए थे जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्होंने क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया था। और बड़ी मजेदार बात यह थी कि ये सिर्फ कुछ लोग थे, सिर्फ ये कुछ 100-150 लोग थे जिन्होंने क्यूबा की जो कैपिटल है हवाना उस पर आक्रमण किया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अब ये जो फिदेल कास्त्रो हैं ये मार्क्सिस्ट थे, यानी कि कम्युनिस्ट थे,
और इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की। मैंने आपको बताया है 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी, चाइना में माओ लीडर थे और उन्होंने उस समय गवर्नमेंट को गिरा दिया था और उस पर कब्जा किया। आज भी चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, आज भी चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिंगल पार्टी रूल है, यानी कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यूबा में भी वही है, क्यूबा में भी आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, क्यूबा आज भी वन पार्टी रूल है। और कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने आपको मार्क्स के बारे में पढ़ाया था थोड़ा बहुत, कि एक जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उनका ये कहना था कि दुनिया जो है वो दो भाग में बटी है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, और गरीब को क्या करना चाहिए, गरीबों को एक होकर सरकार पर कब्जा करना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्रांति की जरूरत है। तो ये उनका थ्योरी है। तो उनकी थ्योरी पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर कुछ देशों में ऐसा हुआ था। अब उनमें से जो प्रमुख तीन चार देश हैं वो है, सबसे पहले रूस 1917 में लेनिन नाम के एक लीडर थे उनके नेतृत्व में, फिर 1949-50 में चाइना में माओ के अंडर में, उसके बाद क्यूबा में, उससे पहले नॉर्थ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आज भी है, वहां पे भी वन पार्टी है, लेकिन अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोलेंगे उसको, अभी तो वो एक डिक्टेटरशिप है ना, किम आपने पढ़ा होगा, किम जुआन के उनके बारे में, तो उनके ग्रैंडफादर, फिर उनके फादर और अभी वो वहां के लीडर है। तो ये तीन चार ऐसे देश हैं जहां पर क्रांति हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे क्यूबा में वो फिदेल कास्ट्रो थे। अब जो क्यूबा की उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिकन सपोर्टेड थी। अब आप देखेंगे कि अमेरिका बहुत पास में है, ठीक है, सिर्फ कुछ 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है अमेरिका और क्यूबा में। तो अब अमेरिकन गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया था। तो अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और आज भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। आज भी अमेरिका और क्यूबा के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और अमेरिका ने बहुत कोशिश की, कई बार कोशिश की कि क्यूबा की जो फिदेल कास्ट्रो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलटा जाए, ठीक है, लेकिन हर बार वो असफल रहे। अब एक छोटा सा देश, बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन वो पिछले 50-60 साल से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल अमेरिका से लगा हुआ है, राइट। और अमेरिका ने बहुत सारी कोशिशें की, अमेरिका ने जो उनके लीडर्स थे वो उनको मारने की कोशिश की, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन क्यूबा जो है वो अभी तक हारा नहीं, मतलब अभी तक खड़ा हुआ है। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो ओबामा ने बहुत सारे प्रतिबंध हटाए थे क्यूबा पर और क्यूबा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यूबा जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री। अब अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका का जो भी साथ नहीं देता है अमेरिका उसको टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है, और खुद तो बैन लगाता ही है, सारी दुनिया के दूसरे देशों को भी मजबूर करता है कि तुम इसके साथ ट्रेड मत करो, ठीक है। तो क्यूबा का भी वही है, क्यूबा इज ऑलमोस्ट लाइक एक ऐसा स्टेट जिससे बहुत सारे लोग जो है बात नहीं करते। तो लेकिन क्यूबा का जो ठीक है उसका अपना प्रॉब्लम है, क्यूबा में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन क्यूबा के दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं खासतौर पे हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा है। क्यूबा में 100% लिटरेसी, क्यूबा में पावर्टी है कोई शक नहीं है, क्यूबा में बहुत गरीबी है, क्यूबा जो है वो बहुत लोगों के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोबाइल और ये सब नहीं है, नई नई कारें नहीं हैं, ठीक है, लेकिन क्यूबा में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो है हेल्थ और एजुकेशन। वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री है, क्यूबा के जो डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी दुनिया में डिमांड होती है, ठीक है, उनका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब ये बातें मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में कितनी सही है,
ठीक है, मैंने जो कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत वही उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी क्या असलियत है मालूम नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोपोगंडा बहुत होता है। प्रोपोगंडा का मतलब होता है बहुत सारी झूठी बातें बोली जाती हैं, ठीक है। तो अमेरिका जिससे नाराज होता है उसके खिलाफ आप देखेंगे कि बहुत सारी, इवन जो हॉलीवुड मूवीज हैं, अब अगर आप 60s 70s की मूवीज देखें जेम्स बॉन्ड वाली, तो उसमें जो विलन है वो सब रशियन होते थे, ठीक है। फिर अभी की मूवीज देखें पिछले 10-20 साल की, तो सब विलन्स जो हैं वो अरब से होते हैं, अभी विलन चाइनीज चालू हो जाएंगे। तो ये सब प्रोपोगंडा होता है ना। अगर आप सोवियत यूनियन की मूवी देखेंगे तो अमेरिकन विलन होते हैं। सोवियत यूनियन का लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे रूस का, तो वहाँ पे जो जो विलन है वो सब यूरोप के होंगे या अमेरिकन होंगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब बहुत होता है कि हर देश जो है दूसरे देश के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। तो ये क्यूबा का स्टोरी है। क्यूबा में अभी फिदेल कास्त्रो जो है, जो लीडर थे उनके, उन्होंने बहुत लंबा शासन किया, और उनकी एक बहुत खास बात थी, वो घंटों भाषण देते थे, ठीक है, 8-8 घंटे भाषण देते थे वो। तो बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर थे फिदेल कास्त्रो। उनकी मौत हो गई और उनके बाद उनके भाई राष्ट्रपति बने, रॉल कास्त्रो, ठीक है। अभी वो भी नहीं रहे। तो अब क्यूबा आफ्टर कास्त्रो, यानी कि क्यूबा का क्या हाल होगा कास्त्रो के बाद। तो ये आज का जो है वो एडिटोरियल है। एक बार फिर से देख लीजिए क्यूबा के बारे में, क्यूबा का जो मैप है। क्यूबा आफ्टर द कास्त्रोस। अब कास्त्रोस का मतलब है ये दो भाई हैं, ठीक है, राउल कास्त्रो और फिदेल कास्त्रो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे फिदेल कास्त्रो, जो कि उसके लीडर थे। अभी उनकी डेथ हो गई और ये बहुत ही फेमस आदमी थे फिदेल कास्त्रो। और फिदेल कास्त्रो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर थे और इंडिया में आते थे, इंडिया के दोस्त माने जाते थे वो फिदेल कास्त्रो। खासतौर पर इंदिरा गांधी के समय में फिदेल कास्त्रो और काफी करीबी थे इंडिया के। तो फिदेल कास्त्रो के डेथ के बाद उनके जो भाई हैं राउल कास्त्रो, वो बने थे लीडर। अभी वो भी रिटायर हो गए, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि क्यूबा का क्या हाल होगा आफ्टर द कास्त्रोस, या कास्त्रोस के जाकर। अब यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, ठीक है। तो एस का मतलब है कि दोनों की बात हो रही है, राउल कास्त्रो और फिदेल कास्त्रो। The retirement of Raul Castro as the first secretary of Cuba's ruling Communist Party brings to an end the 6-decade-long rule of the historic generation who, under the leadership of Fidel Castro, captured power in 1959 through an armed revolution. अब मैंने आपको बताया था कि फिदेल कास्त्रो नाम के जो लीडर थे, उन्होंने 1959 में क्यूबा पर कब्जा किया था। फिडेल कास्ट्रो कैप्चर करना मतलब कब्जा करना, कैप्चर्ड पावर यानी कि सत्ता पर कब्जा किया था इन 1959 फिडेल कास्ट्रो ने, आज से लगभग 60 साल पहले। अब ये जो कब्जा किया था वो इलेक्शन लड़कर नहीं किया था, ये कब्जा कैसे हुआ था, थ्रू एन आर्म्ड रेवोल्यूशन यानी कि सशस्त्र क्रांति। आर्म्ड रेवोल्यूशन मतलब हथियार लेकर क्रांति। तो फिदेल कास्त्रो ने जो है वो सशस्त्र क्रांति की थी और सत्ता पर कब्जा किया था, ठीक है। तो ये समझ में आया, फिदेल कास्त्रो कैप्चर्ड पावर इन 1959। अब उनके ही भाई हैं राउल कास्त्रो, ठीक है। अब फिदेल कास्त्रो की डेथ हो चुकी थी आज से कुछ साल पहले, अभी 7-8 साल पहले डेथ हुई है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अभी डेथ हुई, ज्यादा बहुत समय नहीं हुआ है, 8-10 साल के अंतराल के अंदर ही डेथ हुई फिदेल कास्त्रो। तो उसके बाद उनके जो भाई हैं वो लीडर हुए, ठीक है, और वो लीडर हुए और उनका नाम क्या था, राउल कास्त्रो। तो अभी वो भी रिटायर हो गए। The retirement of Raul Castro as the first secretary. अब देखिए क्यूबा में जो मैंने आपको बताया था कि क्यूबा में एक ही पार्टी रूल करती है
और वो है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि इट इज कॉल्ड वन। अब समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, बीएसपी है, और भी बहुत सारी तमाम पार्टीज हैं, है ना, हजारों पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन जो भी कम्युनिस्ट जहां पर रिजीम होती है, जहां पर क्रांति हुई है, जैसे कि चाइना में, क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया में, ये वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, कोई दूसरी पार्टी ही नहीं आएगी, कोई इलेक्शन उलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहेगा, ठीक है, वही रूल करेगी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं कि आप भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूं, और फिर चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि दूसरी पार्टी अलाउ ही नहीं, तो ये एक प्रकार का डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, एक पार्टी की तानाशाही, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेक्रेटरी होता है वो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होता है ये सबसे पावरफुल होता है, ये भले ही प्रेसिडेंट ना हो उस देश का, लेकिन वो पार्टी का लीडर है, और पार्टी का लीडर ही मेन होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब राउल कास्ट्रो जो है वो रिटायर हो गए हैं एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ क्यूबास रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, और उनका जो रिटायरमेंट है वो क्या लेकर आया है, वो अंत कर रहा है 60 साल लंबा रूल ऑफ द हिस्टोरिक जनरेशन। अब आप देखिए कि वो लोग जिन्होंने 1959 की क्रांति में हिस्सा लिया था, वो लोग क्यूबा के जिन्होंने 1959 की जो एक क्रांति हुई थी क्यूबा में उसमें हिस्सा लिया था, उनको वो क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिक जनरेशन, यानी कि ऐसी ऐसी पीढ़ी जिसने हिस्ट्री लिखी है। तो हिस्टोरिक जनरेशन यानी कि वो पीढ़ी जिसने क्यूबा का इतिहास लिखा है, तो ऐतिहासिक पीढ़ी। तो ये जो राउल कास्ट्रो जो है वो उसके अंतिम प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो उनके रिटायरमेंट के बाद से, उनका जब रिटायरमेंट हो गया तो उससे ये जो जनरेशन है इसका रूल खत्म हो चुका है। अब जो नए रूलर आएंगे ये वो हैं जो 1959 में के बाद के हैं, ठीक है। तो उनका जो रिटायरमेंट है, इट ब्रिंग्स एन एंड द सिक्स डिकेड लॉन्ग, सिक्स डिकेड मतलब 60 साल, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो सिक्स डिकेड मतलब 60 साल, तो सिक्स डिकेड लॉन्ग रूल ऑफ द हिस्टोरिक जनरेशन, ठीक है। तो पहले फिडेल कास्ट्रो 50 साल के करीब रहे, फिर उनके भाई रहे, अब उनके जाने के बाद वो पीढ़ी जो है अब खत्म हो गई। फिडेल रिमेन्ड एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द आइलैंड इन द फेस ऑफ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी from the US until he fell sick in 2006. 2 years later, he handed the party to his younger brother who had fought alongside him in the guerrilla war against the dictatorship of Fulgencio Batista in the 1950s. अब आप देखें, ये फिडेल कास्ट्रो के बारे में बात हो रही है कि फिडेल कास्ट्रो जो है वो 2006 में बीमार पड़ गए थे, ठीक है, और उन्होंने फिर जो पावर है वो अपने छोटे भाई को दे दिया था, ठीक है। फिडेल रिमेन्ड एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द आइलैंड। अब ये आइलैंड है, आइलैंड का मतलब मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्यूबा एक आइलैंड है। तो क्यूबा पर कंप्लीट कंट्रोल जो है वो फिडेल का था 2006। तो आप देखिए 1959 से लेकर, अगर मैं आपको देख आपको बताऊं तो फिडेल कास्ट्रो का कंट्रोल 1959 से लेकर 2006, यानी कि ऑलमोस्ट 55 साल, ठीक है, 50-55 साल जो है वो
उनका कंप्लीट कंट्रोल रहा है फिदेल का, ठीक है। तो आप देखें फिदेल रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है इन कंट्रोल, ठीक है। तो फिदेल जो है वो पूरी तरीके से आइलैंड को कंट्रोल करते थे, कब तक, अंटिल ही फेल सिक इन 2006, जब तक वो 2006 में बीमार नहीं पड़े। और उनका जो ये कार्यकाल था वो अमेरिका की दुश्मनी के साथ, इन द फेस ऑफ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी फ्रॉम द यूएस। अब मैंने आपको बताया था कि 1959 में जब फिदेल ने कब्जा किया था तो अमेरिका को उन पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फिदेल कास्ट्रो ने सारी अमेरिकन कंपनीज को भगा दिया था। और फिदेल का ये कहना था कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो क्यूबा के नेचुरल रिसोर्सेज, खास तौर पे सुगर केन, टबैको और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका शोषण कर रहा है। अमेरिका जो है वो क्यूबा के रिसोर्सेज को चुरा रहा है, शोषण कर रहा है। और क्यूबा के जितने भी ऑयल इंडस्ट्री थी, जो भी सुगर केन था, जो भी इंडस्ट्रीज थी, उन सबको उन्होंने सरकारी घोषित कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। तो अमेरिका के जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो क्यूबा के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उन सबकी कंपनीज और उनका जितना भी पावर था वो फिदेल कास्ट्रो ने छीन लिया था। और क्यूबा से उस समय बहुत सारे लोग जो क्यूबा का जो रिच क्लास था वो भागकर अमेरिका चला गया था, खासतौर पर फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा आपको देखा कि बिल्कुल टच होता है, मतलब पास में ही है। तो फ्लोरिडा में बहुत सारे क्यूबन्स रहते हैं, वो क्यूबन जो कि क्यूबा से भागे थे और जो अमेरिका के साथ, ठीक है। तो अब फिदेल को बहुत सारा हॉस्टिलिटी देखना पड़ा था फ्रॉम द यूएस। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। हॉस्टिलिटी आप नीचे देखेंगे तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि दुश्मनी, है ना, फीलिंग ऑफ एनिमिटी। टू इयर्स लेटर यानी कि 2006 में वो बहुत बीमार पड़े थे, और 2008 में ही हैंडेड द पार्टी टू हिज यंगर ब्रदर। तो 2006 में फिदेल कास्ट्रो बीमार पड़ गए थे, और 2008 में फिदेल ने अपनी पार्टी जो है वो अपने छोटे भाई को दे दी, वो भाई जो उनके साथ लड़ा था अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ बतिस्ता। अब ये वो लीडर है क्यूबा के जो अमेरिका के साथ थे और जिनके खिलाफ ये क्रांति हुई थी। तो बतिस्ता गवर्नमेंट जो है उसको गिरा दिया था फिदेल कास्ट्रो, और फिर बतिस्ता जो है वो अमेरिका, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सब अमेरिका चले गए थे। तो अब ये जो भाई हैं उनके, राहुल, ही हैड फॉट अलोंग साइड हिम, तो वो फिदेल के साथ मिलकर लड़े थे। ही फॉट अलोंग साइड हिम इन द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ बतिस्ता, ठीक है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि फिदेल जो है वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके भाई थे, और उनके भाई ने लड़ाई की थी उनके साथ मिलकर, और क्या किया था, गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर जो होता है एक प्रकार का वॉर स्ट्रेटजी होता है, एक प्रकार का युद्ध का एक स्ट्रेटजी होता है, जहां पर आप अपने दुश्मन को छुप कर मारते हैं, आप दुश्मन से आमने सामने नहीं लड़ते। जैसे कि अभी नक्सल अटैक हुआ था, आपने देखा छत्तीसगढ़ में, जिसमें कुछ 20-22 हमारे सैनिक मारे गए थे, वो भी एक गुरिल्ला अटैक था। तो जंगल में गुरिल्ला वार हुआ था, गुरिल्ला वार का मतलब है कि छुपकर मारा था, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई थी। तो क्यूबा में भी ये गुरिल्ला वार हुआ था, और किसके खिलाफ हुआ था, ये जो लीडर हैं फुलजेनिसियो बतिस्ता, इनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ, क्योंकि ये भी तानाशाह थे, ये एक सैनिक तानाशाह थे, और इनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी इन द 50s। अंडर द यंगर कास्ट्रो क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स ओपनिंग अप द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं ये बोलता हूं कि इस देश पर कम्युनिस्ट शासन है,
या कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे अलग होता है बाकी देशों से। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर देती है, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, सब कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज रहेंगी, यानी कि पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार के कब्जे में होगा, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कंट्रोल का मतलब है आपको पता है कंट्रोल, और इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था। तो यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का कब्जा है, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, गवर्नमेंट रेल चलाएगी, गवर्नमेंट घड़ी बनाएगी, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज रहेंगी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज रहेंगी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहेंगे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज रहेंगी, गवर्नमेंट के स्कूल्स रहेंगे, सब कुछ गवर्नमेंट। ठीक है, और ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से ही समाज में बराबरी आ सकती है, नहीं तो जो रिच क्लास है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाता है, और चूंकि उसके पास पैसा होता है तो वो दूसरे लोगों का शोषण करता है, वो बिजनेस चलाता है, वो इंडस्ट्रीज खोलता है और वो लोगों का शोषण करता है, वो पैसे से पैसा कमाता है। और अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दें, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दें मतलब सब कुछ गवर्नमेंट का, लैंड भी गवर्नमेंट की, तो फिर समाज में बराबरी आ जाए, ऐसा मार्क्सिज्म का ये सिद्धांत है। तो अभी जो है, अभी चाइना ने भी पहले वही किया था, रूस ने भी पहले वही किया था, क्यूबा ने भी वही किया, नॉर्थ कोरिया ने भी वही किया, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं सबने यही करने की कोशिश की। लेकिन अभी अगर आप देखें पिछले 30 साल में बहुत सारा चेंज आया है, खास तौर पे जब रूस का पतन हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन का, जब सोवियत यूनियन टूट गया उसके बाद से बहुत सारे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं खास तौर पे चाइना, उसने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। अभी चाइना में प्राइवेट कंपनीज हैं, चाइना में फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं जो दूसरे देश में जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि चाइना ने जो अपना स्टेट कंट्रोल है वो कम किया है, वैसा ही कुछ क्यूबा करना चाहता है अंडर द यंगर कास्त्रो, यंगर कास्त्रो मतलब फिदेल कास्त्रो के जो छोटे भाई हैं उनके अंडर में क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स। स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स का मतलब होता है कि आप जब किसी काम को शुरू करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं पहले धीरे धीरे, तो उसको हम बोलते हैं बेबी स्टेप्स। तो क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स ओपनिंग अप द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, तो ताकि वो अपनी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को ओपन करना चाहता है। ठीक है, अब अगर यहां पर अगर आप देखें तो तीन मॉडल है पूरी दुनिया के सामने। एक मॉडल है अर्थव्यवस्था का स्टेट कंट्रोल, जो कि कम्युनिस्ट मॉडल है। इसमें क्या है कि सारा सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं रहेगा, सब लोगों को काम करना है, कोई सेठ जी नहीं रहेगा, सब गवर्नमेंट फैक्ट्री चलाएगी, गवर्नमेंट सब करेगी, सबको काम करना है। ठीक है, तो ये स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। इसके ठीक उल्टा अमेरिका और उसके दूसरे देश हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एकदम ठीक उल्टा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। ये एक ऐसी विचारधारा है जो बोलता है कि फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्री मार्केट, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगी, सब कुछ प्राइवेट होगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये एफिशिएंट होता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो एफिशिएंट सिस्टम है, प्रॉफिट मोटिव जो है वो लोगों को ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये जो इकोनॉमी है इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जितने भी रिच कंट्रीज हैं वो सब इसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इन दोनों के बीच में एक और सिस्टम है जो कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया का था। मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी इंडिया का है थोड़ा बहुत, मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, दोनों चीजें रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज, तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों रहेगा। हालांकि इंडिया जो है अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है अभी आप देखेंगे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, इंडिया में कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो सरकारी हैं, कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है। इंडिया का ट्रांसपोर्ट, तो आप देखेंगे कि रेलवे जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है, लेकिन अगर आप एरोप्लेन्स देखें तो आप देखेंगे कि जो ये इंडिया का जो एरोप्लेन सेक्टर है वो जो है वो कुछ इंडियन कंपनीज गवर्नमेंट की भी हैं, एयर इंडिया, और प्राइवेट कंपनीज भी है ना। स्कूल में देखिए आप, एजुकेशन में इंडिया में सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में देखिए, तो आप देखिए हॉस्पिटल्स में देखिए, तो इंडिया जो है वो एक प्रकार का मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। पहले जो था 1991 से पहले इंडिया जो है वो बहुत हद तक इसके करीब था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, पूरी तरीके से नहीं था, कम्युनिस्ट जितना कम्युनिस्ट शासन में होता है उतना नहीं था, लेकिन फिर भी काफी हद तक था। 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और हमारे मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और 1991 में भारत में बहुत बड़े आर्थिक सुधार किए गए थे, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, अब हर तरफ हर चीज में अब आपको प्राइवेट कंपनीज दिखेंगी। नहीं तो पहले टेलीफोन के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट की टेलीफोन कंपनी थी, आप जो चैनल्स देखते थे टीवी के चैनल्स वो सिर्फ गवर्नमेंट के थे, दूरदर्शन आता था, ठीक है। तो आप अभी गवर्नमेंट ने हर चीज को बहुत हद तक प्राइवेटाइज कर दिया। तो अब क्यूबा भी कुछ वैसा ही करना चाहता था, क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स ओपनिंग ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ही हैड आल्सो ओवरसीन रैपिड इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस विद द यूएस व्हेन बराक ओबामा ईज्ड सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्यूबन इकोनॉमी, ट्रेवल टू हवाना एंड ओपेंड एन अमेरिकन एम्बेसी। अब मैंने आपको बताया कि ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो क्यूबा के साथ रिलेशंस उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1959 में जब क्यूबा पर फिदेल कास्त्रो और उनके लोगों ने कब्जा कर लिया था तो अमेरिका ने सारे संबंध तोड़ लिए थे क्यूबा के साथ, और क्यूबा पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगाए थे, क्यूबा पर कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला करने की भी कोशिश की है, बहुत सारे अमेरिका ने बहुत वहां पे गड़बड़ियां की, फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश की, उनको एसेसिनेट करने की कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी क्यूबा जो है वो खड़ा रहा, डटा रहा अपनी जगह पर। और जब बराक ओबामा 2008 से 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, 8 साल, 2 टर्म उनको मिले थे, तो ओबामा ने क्यूबा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ओबामा ने क्या किया था, ओबामा ईज्ड सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्यूबन इकोनॉमी, रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोक, ईज करना मतलब हटा देना, तो ओबामा ने कुछ जो रोक लगाई थी क्यूबा, जो प्रतिबंध लगाए थे क्यूबन इकोनॉमी पर अमेरिका ने, उनको हटा दिया था, उनको आसान बना दिया था। वो खुद हवाना गए थे, हवाना जो है वो कैपिटल है, और वहां पर उन्होंने अमेरिका दूतावास खोला था एंड ओपन्ड एन अमेरिकन एम्बेसी। अब आप सोचिए कि 1959 से लेकर 2010-12 तक अमेरिका की राजनयिक संबंध भी नहीं थे, यानी कि अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं थी वहां पे क्यूबा में, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। तो ये सब जब हो रहा था, ये सब किसके अंडर में हो रहा था, राउल कास्त्रो के अंडर, 2008 के बाद, ठीक है। तो ही हैड आल्सो ओवरसीन रैपिड इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस विद यूएस, तो राउल कास्त्रो के समय बहुत जल्दी रैपिड इंप्रूवमेंट हुए थे, दोस्ती हुई थी किसके साथ, अमेरिका के साथ,
और तब हुई थी जब बराक ओबामा जो है वो हवाना आए थे। इन 2018 मिस्टर राहुल स्टेप डाउन एज प्रेसिडेंट हैंडिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज हैंड पिक्ड नेक्स्ट जनरेशन लीडर मिगुएल डियाज कैनल। ठीक है, अब ये क्यूबा जो है वो बेसिकली स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री, ठीक है, और आप जो नाम देखेंगे वो थोड़े थोड़े स्पैनिश नेम है क्योंकि क्यूबा पर स्पेन का कब्जा था बहुत समय तक। तो अब आप देखेंगे कि तीन देश ऐसे हैं, चार देश हैं बेसिकली जिन्होंने अमेरिका पे, बहुत सारे अमेरिकन छोटे छोटे देशों पे, बड़े बड़े देशों पे भी कब्जा किया था। एक थे सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो मैक्सिको से लेकर नीचे जितने भी देश हैं साउथ अमेरिका के वो सब स्पैनिश स्पीकिंग है, सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वो है ब्राजील। ब्राजील जो है वो पोर्चुगीज स्पीकिंग है क्योंकि उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, जैसे इंडिया पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर रूल किया है, वैसे ही ये जितने भी देश हैं इन पर भी यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा किया था। मैं आपको एक बार बड़ा सा मैप, बड़ा वाले मैप पे दिखा देता हूँ कि ये जो देश है, अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो देश हैं वो या तो इंग्लिश स्पीकिंग है या स्पेनिश स्पीकिंग है या पोर्चुगीज स्पीकिंग है। अब उसमें से ये जो दो देश हैं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ये अंग्रेजी बोलते हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग है क्योंकि यहाँ पर जो है वो अंग्रेज लोगों का डोमिनेंस था और शासन था। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखें तो मैक्सिको है और मैक्सिको से नीचे ये जितने भी देश हैं यहाँ तक, कैरेबियन को छोड़ देते हैं अभी हम कुछ समय के लिए, ये सारे देश हैं, इसमें ब्राजील को छोड़कर, इसको छोड़कर सारे के सारे देश जो हैं वो स्पैनिश भाषा बोलते हैं क्योंकि स्पेन के लोगों ने इस पर कब्जा किया था। ठीक है, स्पैनिश जो है वो अमेरिका में अगर आप देखें तो सबसे पहले आने वाले स्पेन के लोग थे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्पेन के लोग थे, तो ज्यादातर जो देश हैं वो स्पैनिश स्पीकिंग। ठीक है, ब्राजील जो है वो पुर्तगाल के लोगों ने कब्जा किया था। कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं उसमें, कैरेबियन आइलैंड्स में तीनों थे, स्पेन था और इंग्लैंड था और फ्रांस था। अब यहाँ पर भी एक दो देश हैं, सूरीनाम है, गुयाना है, एक फ्रेंच गुयाना है जो कि फ्रांस के कब्जे में था, तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ जो आइलैंड्स हैं वो फ्रेंकोफोन है। फ्रेंकोफोन का मतलब है कि वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। कुछ आइलैंड्स हैं जो एंग्लोफोन है, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अब ये जो देश है मेक्सिको से लेकर ये पूरा देश, ये लैटिन अमेरिका कहलाता है। लैटिन अमेरिका कहलाता है, क्यों लैटिन अमेरिका कहलाता है, क्योंकि लैटिन जो है वो एक पुरानी रोमन भाषा है जहां से स्पेन, स्पैनिश और पोर्चुगीज निकली है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पाली है और संस्कृत है, ये पुरानी भाषा है, अब इनसे बहुत सारी भाषाएं निकली है। तो वैसे ही लैटिन रोम की भाषा थी एक समय में, इटालिया के आसपास की, और उससे जो नई मॉडर्न भाषाएं निकली हैं जैसे कि फ्रेंच, स्पैनिश, ठीक है, तो इसलिए इनको हम स्पैनिश और पोर्चुगीज बेसिक, इनको हम लैटिन भाषाएं बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेजेस। और इसीलिए ये जो हिस्सा है मेक्सिको से लेकर चिली तक यहाँ पर, इसको हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर या तो स्पैनिश बोली जाती है या पोर्चुगीज बोली जाती है। ठीक है, तो क्यूबा जो है वो स्पैनिश भाषा का बोली जाती है। तो मिस्टर राहुल इन 2018 मिस्टर राहुल स्टेप्ड डाउन एज प्रेसिडेंट। तो 2018 में 8 साल, अब देखिए 2008 में उनके बड़े भाई ने उनको शासन दिया था और 10 साल शासन करने के बाद 2018 में वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब वो ही केम डाउन। ठीक है, तो ही स्टेप्ड डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है अपना पद से त्याग दे देना, यानी कि अपना पद, जो भी आपकी पोजीशन है आप उसको छोड़ देते हैं। तो मिस्टर राहुल स्टेप डाउन एज प्रेसिडेंट और उन्होंने
अपने खुद से चुना हुआ, हैंडपिक्ड। हैंडपिक्ड का मतलब होता है जब आप खुद से चुनते हैं किसी को, आप अपनी पसंद से चुनते हैं, ठीक है, किसी और की नहीं सुनते हैं, आप अपनी पसंद से चुनते हैं। तो मिस्टर राहुल ने जो है वो, राहुल ने जो है वो 2018 में राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और अपनी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक नए लीडर को दिया, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लीडर, अगली पीढ़ी के लीडर को दिया और उन्होंने खुद चुना था उसको, ठीक है। नाउ व्हेन 89 ईयर ओल्ड लीडर रिटायर्स लीविंग अ फुट इन द स्टिरअप रेडी टू डिफेंड सोशलिज्म, मिस्टर डियाज कैनल 60 इज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिम एज द न्यू पार्टी चीफ, ठीक है। तो अब नाउ व्हेन द 89 ईयर ओल्ड लीडर रिटायर्स, अभी ये लगभग 90 साल के हो गए हैं और अभी ये पूरी तरीके से रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से अभी रिटायर हो रहे हैं। अभी ये पार्टी का, इन्होंने 2018 में प्रेसिडेंट पद छोड़ा था और अभी ये पार्टी के जो सेक्रेटरी पद है वो भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मिस्टर डियाज कैनल जो है ही इज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिम एज द न्यू पार्टी चीफ। तो मिस्टर मिगुएल डियाज कैनल जो कि प्रेसिडेंट है क्यूबा के, अब वो पार्टी के नए चीफ भी बनने वाले हैं, ठीक है। ही इज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिम एज द न्यू पार्टी चीफ। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक क्यूबा का प्रेसिडेंट और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी। कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करता है और कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट रहती है, तो अब जो है वो लीड करने वाले। द कास्ट्रोस बिल्ट अ क्लोज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट वर्क्ड फॉर मेनी फॉर डिकेड्स। अब देखिए ये जो मैंने आपको स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात की थी उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जैसे कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, पूंजीवादी, और कास्त्रो जो 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 कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है या जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कास्त्रोस यानी कि दोनों भाई मिलकर दे हैव बिल्ट अ क्लोज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट वर्क्ड फॉर मेनी फॉर डिकेड्स। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है, क्लोज मतलब कोई बाहर से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है। तो कास्त्रो ने एक ऐसी सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई जिसने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, दैट वर्क्ड फॉर मेनी फॉर डिकेड्स, कई सालों तक। मैंने आपको बताया था कि क्यूबा का एजुकेशन और हेल्थ केयर दुनिया में टॉप माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ठीक है अमेरिका क्यूबा में आपको बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेंगी, नई कारें नहीं मिलेंगी, नए मोबाइल फोन नहीं मिलेंगे, लेकिन क्यूबा में सबके पास एजुकेशन है, सबके पास हेल्थ केयर है, ठीक है। तो कास्त्रो ने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जो कि क्लोज है, लेकिन उसने बहुत लोगों को फायदा भी किया है। क्यूबाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर इनइमिटेबल, ठीक है, कोई चीज इनइमिटेबल है मतलब इतनी बड़ी, इतनी अच्छी है कि आप उसकी नकल नहीं कर सकते, आप उसको इमिटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्यूबा का जो एजुकेशन में, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पूरा फ्री है, और क्यूबा के जो का जो जो मेडिकल एक्सपर्टीज है, जो डॉक्टर्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं, ठीक है। तो क्यूबा का जो अचीवमेंट है, यानी कि जो उसके अचीवमेंट का मतलब होता है जो उसकी उपलब्धियां हैं, उसकी नकल नहीं हो सकती, यानी कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि उसको आप नकल नहीं कर सकते। बट मैनी क्रिटिक्स ऑफ द क्यूबन मॉडल फील दैट द हिस्टोरिक जनरेशन वॉज स्लो टू ओपन अप द इकोनॉमी, जनरेट ग्रोथ एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, समथिंग दैट चाइना अनदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल कंट्री डिड। अब मैंने आपको बताया था कि चाइना का एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है कि चाइना ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, हालांकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है,
चाइना क्या है? चाइना इज अनदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड कंट्री। चाइना में भी स्टेट सोशलिज्म था, चाइना में भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ही इकोनॉमी में कब्जा था, लेकिन चाइना ने सही समय पर अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और चाइना ने प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट कंपनीज को आने दिया। आज चाइना जो है वो ऑलमोस्ट सुपर पावर हो चुका है, ठीक है। तो आज चाइना जो है वो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर है। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं क्यूबा के, उनका ये मानना है कि इन्होंने देर कर दी अपनी इकोनॉमी को ओपन करने में। बट मैनी क्रिटिक्स ऑफ द क्यूबन मॉडल फील दैट द हिस्टोरिक जनरेशन वॉज स्लो टू ओपन अप द इकोनॉमी, कि ये जो जनरेशन थी कास्त्रो वाली, वो हमारी इकोनॉमी को ओपन करने में बहुत स्लो रही, और जिससे कि हम ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाए। अब देखिए, ओपन अप द इकोनॉमी जनरेट ग्रोथ एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जनरेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, आपका जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज आप जितना भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी आपकी फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही हैं, अगले साल अगर वो बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे कि हमारा देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जितना ज्यादा होगा, हमारे देश में जॉब्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। हम अपने देश के निवासियों के लिए और ज्यादा मौके क्रिएट कर रहे हैं नौकरी के। तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं क्यूबा के, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो जनरेशन थी कास्त्रो की, ये इन्होंने देर कर दी इकोनॉमी को ओपन करने में। अगर ये इकोनॉमी को ओपन कर देते अर्थव्यवस्था को, तो हम ज्यादा जनरेट कर सकते थे ग्रोथ, और हम अपने लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे, समथिंग दैट चाइना हैज डन, जैसा कि चाइना ने किया था, समथिंग दैट चाइना अनदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड कंट्री डिड, ठीक है। आगे चलते हैं। मिस्टर राहुल टुक स्मॉल स्टेप्स एंड मिस्टर डियाज कैनल इज कंटिन्यूइंग देम विद अ लॉन्ग प्रॉमिस्ड करेंसी रिफॉर्म्स हैविंग बीन इंप्लीमेंटेड इन जनवरी, बट द ट्रांजिशन कम्स एट अ पेनफुल टाइम। When Soviet assistance ceased in the early 90s, Fidel asked Cubans to tighten their belt for a special period. अब मिस्टर राहुल ने कुछ कदम उठाए, लेकिन छोटे कदम थे, ठीक है। मिस्टर राहुल took small steps, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर हैं मिस्टर डियाज कैनल, वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, ताकि दूसरे देश के लोग आए, दूसरे प्राइवेट कंपनीज आए, ठीक है, और जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसको थोड़ा ढीला करें, ताकि और दूसरे लोगों को परमिशन मिले। तो मिस्टर राहुल ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, और जो उनके उत्तराधिकारी हैं मिस्टर डियाज कैनल, वो भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था विद अ लॉन्ग प्रोमिस्ड करेंसी रिफॉर्म Having been implemented in January, इस जनवरी में उन्होंने करेंसी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया। अब करेंसी का मतलब आपको पता है, मनी, ठीक है। करेंसी का मतलब होता है जैसे कि रुपया, हमारी करेंसी क्या है? रुपीज। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो उसमें उन्होंने कुछ सुधार किए, और ये सुधार कैसे थे? लॉन्ग प्रोमिस्ड थे, यानी कि बहुत पहले वादा किया था, लेकिन अब जाकर उन्होंने जनवरी में उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है, अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? आप अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव करते हैं, ठीक है। तो अब पहले अभी आपका स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, अब आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। तो ये जो चेंज है, ये बहुत गलत समय पे है। इट हैज कम एट अ पेनफुल टाइम, ठीक है। पेनफुल टाइम मतलब, अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग, तो तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा,
लेकिन 1991 में जब इंडिया ने रिफॉर्म किया था, शुरू किया था, तो इंडिया में बहुत विरोध हुआ था उसका। ठीक है, लोग सड़क पे आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि उनके जॉब चले जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फॉरेन की कंपनीज आएंगी, फॉरेन की कंपनीज हमको फिर से गुलाम बना लेंगी, ठीक है, और बाहर का जो पैसा इंडिया में आएगा तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, बहुत सारा डिबेट्स था। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं इस टाइप के, ये कोई आसान नहीं होते। अभी आप उसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, फार्मर का प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अब प्राइवेट कंपनीज को आने देना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि भाई अब प्राइवेट कंपनीज भी आके आपसे खरीदेंगी, हम नहीं खरीदेंगे आपसे, है ना। और गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम आपसे खरीदेंगे। अभी गवर्नमेंट अपना पैर खींचना चाहती है, अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नहीं खरीदेंगे प्राइवेट कंपनी। तो किसान डरे हुए हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, किसानों को लगता है कि उनकी जो कीमत है वो उनको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट एटलीस्ट उनको एश्योरेंस देती थी कि हम आपसे इतने में खरीदेंगे। तो MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने आपको उसके बारे में कई बार पढ़ाया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, गवर्नमेंट बोलती थी कि ठीक है आप ये धान पैदा करो, आप ये गेहूं पैदा करो, हम आपसे इतने रुपए में लेंगे, मार्केट में कुछ भी दाम हो लेकिन हम इतने में लेंगे आपसे। तो किसान को ये भरोसा रहता था कि कम से कम गवर्नमेंट हमसे खरीदेगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नहीं, हम प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। तो इसीलिए किसान जो है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जो चेंज होता है, ये बहुत पेनफुल होता है, ये इतना आसान नहीं। ठीक है, और खास तौर पे क्यूबा के लिए बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि सोवियत संघ से उसको जो मदद मिलती थी वो खत्म हो गई थी 1990s। अब अगर आप देखें तो क्यूबा का हिस्ट्री देखें तो 1959 के बाद क्यूबा अमेरिका को भी आंखें दिखा पाता था। क्यों दिखा पाता था, क्योंकि उसके साथ सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था। लेकिन सोवियत यूनियन का पतन हुआ 1990 में, और सोवियत से जो मिलने वाली जो असिस्टेंस थी वो खत्म हो गई, सीज कर गई। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो जब सोवियत असिस्टेंस सीज इन अर्ली 1990s, फिदेल आस्ट क्यूबंस टू टाइटन देयर बेल्ट्स। तो उस समय फिदेल कास्ट्रो ने अपने नागरिकों को बोला था कि आप टाइटन बेल्ट्स कर लीजिए, टाइटन देयर बेल्ट मतलब तैयारी कर लीजिए। ठीक है, टाइटन देयर बेल्ट्स का मतलब होता है कि आप तैयार हो जाए, अगर किसी भी परेशानी से जूझने के लिए आप तैयार हो जाए, इसको हम बोलते हैं टाइटन देयर बेल्ट्स। ठीक है, क्योंकि फिदेल को समझ में आ गया था कि सोवियत यूनियन के जाने के बाद अब क्यूबा पर बहुत संकट आने वाला है। एवेंचुअली क्यूबा केम आउट ऑफ दोज हार्डशिप्स एंड द पिंक टाइड इन लैटिन अमेरिका दैट प्रोपेल्ड लेफ्टिस्ट लीडर्स टू पावर फ्रॉम वेनेजुएला टू इक्वाडोर हेल्प्ड हवाना बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बट नाउ द पिंक टाइड इज इन रिवर्स। Venezuela, which offered cheap oil to Cuba, is itself in an economic and political mess. ठीक है, तो 1990s में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उस समय क्यूबा पर बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन क्यूबा धीरे धीरे, इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, क्यूबा केम आउट ऑफ दोज हार्डशिप्स। क्यूबा जो है वो उन सारी परेशानियों से बाहर निकला। क्यों बाहर निकला, क्योंकि लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देशों में लेफ्टिस्ट लीडर्स पावर में आ गए थे। लेफ्टिस्ट मतलब होता है कम्युनिस्ट, जो लेफ्टिस्ट का लेफ्ट, हम उनको लेफ्ट वाले भी बोलते हैं, है ना। तो लेफ्टिस्ट मतलब ऐसे लोग जो मार्क्सिस्ट विचारधारा को वो मानते हैं। तो हुआ ये था कि 1990 के बाद क्यूबा अकेला पड़ गया था, क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था। लेकिन क्यूबा इन सारी परेशानियों से निकल आया क्योंकि लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वेनेजुएला, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग है, जहां पे पेट्रोल मिलता है। तो वेनेजुएला से इक्वाडोर, इसमें बहुत सारे लेफ्टिस्ट लीडर पावर में आ गए थे जिन्होंने क्यूबा की हेल्प की, हेल्प्ड हवाना बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक। अब देखिए, ये जो कुछ देश हैं, लैटिन अमेरिका, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लैटिन अमेरिका का मतलब होता है वो अमेरिका के सारे देश जो स्पेनिश बोलते हैं या पोर्चुगीज बोलते हैं।
तो ये सारा यहां से पूरा ये लैटिन अमेरिका कहलाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहां पर एक देश है वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, ठीक है, और ये एक देश है इक्वाडोर। ठीक है, अब ये वेनेजुएला बहुत एक इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अरब कंट्रीज है, है ना। तो आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज कितनी रिच है क्योंकि वो सब पेट्रोलियम, उनकी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। तो वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है जो कि पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है साउथ अमेरिका में, और उसने क्यूबा की बहुत मदद की थी, उसने क्यूबा को चीप ऑयल दिया था, सस्ते में तेल दिया था। ठीक है, लेकिन अभी वेनेजुएला की खुद की हालत बहुत खराब है। तो वेनेजुएला विच ऑफर्ड चीप ऑयल टू क्यूबा इज इटसेल्फ इन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेस। तो अब क्यूबा के सामने प्रॉब्लम क्या है, क्यूबा के सामने प्रॉब्लम यह है कि वो देश लैटिन अमेरिका के जो लेफ्टिस्ट देश थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के देश थे, जो उसको अब तक बहुत मदद कर रहे थे, वो खुद अब परेशानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। आज का एडिटोरियल मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बता दिया है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो आप अपने आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है और अभी दूसरा क्लास चालू होने वाला, और मैं फिर कंट्री और नेशन का भूल गया। ठीक है, कल पक्का मैं पहले वही करूँगा। ठीक है, कंट्री और नेशन का, सॉरी, वो क्या होता है कि मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, और हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, आई लाइक हिस्ट्री, तो वो मैं पूरी कहानी सुनाने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। चलिए, समझ में आया आपको, न्यूज़पेपर का पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा जो आ गया आप। ठीक है जी, करता मैं, बच्चे रिक्वेस्ट भी नहीं करते, बच्चे अब ऑर्डर देते मेरे को पीडीएफ अपलोड करिए। अच्छा ठीक है भाई, कर देते नहीं मजाक कर रहा, आप टेंशन मत। ठीक है, चलो बाय बाय। टेस्ट का क्लास शुरू होगा, टेस्ट का क्लास एक दो दिन, क्योंकि अभी कुछ, अभी उसका इंटरव्यू का नहीं है ना कुछ, मैं शुरू करता अभी, थोड़ा मैं खुद ही बहुत डिस्टर्ब हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग को कोरोना हो गया। ठीक है, तो ऑफिस भी बंद हो गया है, तो बहुत अभी टेंशन है, एक दो दिन दीजिए, मैं करता हूँ उसको। ठीक है, चलिए, तब तक क्या करें, तब तक आप डेली का जो भी ये है करंट अफेयर्स का है, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह ये पढ़िए ना, क्लाइमेट चेंज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा बता दिया है, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, तो उसको पढ़िए। चलो बाय बाय, कर देता हूँ पीडीएफ आपको, टेंशन मत लीजिए।